इस वीडियो में पढ़ने पढ़ने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डायरेक्ट टैक्सेस पढ़ लिया था, उसके मेरिट और डिमेरिट्स हो चुके हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेस और उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स नेक्स्ट वीडियो में। इनडायरेक्ट टैक्सेस आर ऑल्सो नोन एज द कम्योडिटी टैक्स। जैसे कि हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कम्योडिटी टैक्स होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज पर लगता है। दे आर डिवाइडेड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज लाइक इंडिया लाइक मेनी अदर कंट्रीज हैज मर्ज्ड द इनडायरेक्ट टैक्सेस इनटू द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। GST अभी है हमारे इंडिया में, उसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो गुड्स एंड सर्विसेज लगती है वो इनकम टैक्स से बिल्कुल अलग होती है। दे आर इम्पोज ऑन वन पर्सन बट पेड बाई पार्शली एंड होली बाय अनदर। ठीक है, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, जो अगर किसी पे इम्पोज किया गया, गवर्नमेंट ने किसी पे इम्पोज किया है, तो उसको पार्सली या होली, मतलब वो पूरा भी पे कर सकता है या पार्सली किसी और से भी पे करा सकता है, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज लगते हैं, राइट। हेयर द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स आर ऑन द डिफरेंट पर्सन। हमने देखा था कि जो डायरेक्ट टैक्स है उसमें जो इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स था वो सेम पर्सन पे था, क्योंकि जो जो डायरेक्ट टैक्स होता है और इनकम टैक्स होता है वो शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिस पे गवर्नमेंट इम्पोज करती है उसको ही टैक्स भरना पड़ता है। बट इन द केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स आर ऑन द डिफरेंट पर्सन। मतलब कि जैसे कि प्रोड्यूसर पे गवर्नमेंट ने टैक्स इम्पोज किया तो वो इम्पैक्ट होता है, राइट, और फिर प्रोड्यूसर ने वो टैक्स शिफ्ट करता है प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा के या फिर GST दिखा के, तो वो होता है इंसिडेंट्स। तो ऑन डिफरेंट पर्सन, तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है कि इम्पैक्ट एंड इंसिडेंट्स अलग अलग पर्सन पे होता है, ज़रूरी नहीं है कोई एक ही भरे। ये होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इसके हम मेरिट पढ़ेंगे। मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। फर्स्ट मेरिट है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कन्वीनियंट। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है कन्वीनियंट होता है, क्योंकि ये बर्डन फील नहीं कराता टैक्स पेयर को, क्योंकि हम गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं और उसी समय टैक्स भी पे जाता है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज में ही टैक्स इंक्लूड होता है, तो वो बर्डन नहीं होता, कन्वीनियंट होता है टैक्स पेयर के लिए भी, जो टैक्स रिसीव कर रहे हैं उसके लिए भी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इम्पोज ऑन द प्रोडक्शन सेल्स एंड द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। These are imposed on the manufacturer, seller and the traders, but their burden may be shifted to the consumer. जिसके भी हमने डिस्कस किया कि जो सेलर एंड मैन्युफैक्चरर पे और ट्रेडर पे जो भी गुड्स एंड सर्विसेज लोग जो भी बनाते हैं उस पे जो टैक्स लगता है वो लोग शिफ्ट कर देते हैं कंज्यूमर को, राइट। और कंज्यूमर को कैसे शिफ्ट करते हैं, वो लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ा देते हैं, तो वो सारा टैक्स कहाँ से लेते हैं, कंज्यूमर से लेते हैं। अब गुड्स एंड सर्विसेज, हु आर द फाइनल टैक्स पेयर। फाइनल टैक्स पेयर कौन होता है, कंज्यूमर होते हैं, और कंज्यूमर को भी उतना बर्डन नहीं लगता है, क्योंकि सच टैक्सेस इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस आर पेड ओनली ऑन द परचेजिंग ऑफ द कमोडिटी आर ओनली ओनली ऑन द परचेज ऑफ कमोडिटी और द एन्जॉयमेंट ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, ज़बरदस्ती लोग टैक्स पे कराते नहीं है, जब हम वो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करेंगे, उनकी सर्विसेज लेंगे, तभी हमें टैक्स पे करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं करना पड़ेगा। तो कंपलसरी नहीं होता है, कन्वीनियंट होता है, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है, कन्वीनियंट होता है। तो ये मेरिट हुआ इनडायरेक्ट टैक्स का। सेकेंड मेरिट है डिफिकल्ट टू इवेड। डिफिकल्ट टू इवेड मतलब होता है अवॉइड न कर पाना, राइट, इवेड मतलब अवॉइड। तो डिफिकल्ट टू अवॉइड, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस उसको हम अवॉइड नहीं कर पाएंगे या फिर हम भरने से मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज में इंक्लूड होता है। बट डायरेक्ट केस में हम लोग इवेड कर सकते हैं, क्योंकि लोग एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाते हैं तो टैक्स भरने से बच जाते हैं। बट इस केस में इनडायरेक्ट टैक्स में हम लोग इवेड नहीं कर सकते, क्योंकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करनी है, मतलब सर्वाइव के लिए, लाइफ के सर्वाइव के लिए। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस आर इनडायरेक्ट टैक्सेस आर जनरली इंक्लूड इन द प्राइस ऑफ द कम्युनिटी। जैसे कि मैंने भी बोला, जो जो कम्युनिटी की प्राइस होती है इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें इंक्लूड होता है परचेज। हैंस इट इज़ डिफिकल्ट टू इवेड सच टैक्सेस। इवेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस टैक्स वुड मीन गिविंग अप द कंजम्पशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर इवेशन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या होता है कि अगर आप टैक्स नहीं भरना चाहते तो आप गुड्स एंड सर्विसेज नहीं कंज्यूम करेंगे। सीधी सी बात है, अगर गुड्स एंड सर्विसेज आप कंज्यूम नहीं करेंगे तो टैक्स नहीं भरेंगे। तो डिफिकल्ट होता है इवाइड करना, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज में टैक्स इंक्लूड होता है। ठीक है, और थर्ड है इलास्टिक। सम ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कैन बी इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या होता है, मतलब चेंज होते रहना। द रेवेन्यू कलेक्टेड बाय द दीज टैक्सेस कैन बी इंक्रीज बाय द इम्पोजिंग देम ऑन कम्युनिटी विद द इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, जिस कम्युनिटी की इन इलास्टिक डिमांड होती है उस पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि टैक्स रेट ज़्यादा लगा सकती है। इन इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है कि प्राइस बढ़, अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ जाती है तभी भी डिमांड चेंज ज़्यादा नहीं होती है, ये नेसेसिटी प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गई फिर भी डिमांड डाउन नहीं होती, कम चेंज होती है, उसे हम बोलते हैं इनइलास्टिक डिमांड। तो इस केस में गवर्नमेंट को अगर ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो हायर टैक्स इम्पोज कर सकती है, इलास्टिक होता है। तो हाउएवर देयर आर डिफिकल्ट इन्वॉल्व इन द इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन सच कमोडिटी एज दे आर यूजुअली नेसेसरी गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम बाय ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, सच इनडायरेक्ट टैक्सेस विल बी क्लैश विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी।
ओके okay, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का इलास्टिक मेरिट हुआ, क्योंकि ये क्या होता है कि सच इनडायरेक्ट टैक्सेस विल क्लैश विद द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मतलब कि अगर किसी गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो इनलास्टिक है, तो गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर सकती है और ज़्यादा टैक्स ले सकती है। थर्ड इलास्टिक पॉइंट है मेरिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स टेबल। इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी मेड प्रोग्रेसिव इफ दे आर इम्पोज ऑन द लग्जरी गुड्स एंड कंज्यूम बाय द रिच पीपल। सच टैक्सेस कैन बी ब्रिंग ग्रेटर इक्विटी। देखो, कैन बी मेड इक्विटेबल होता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस का मेरिट क्या होता है कि जो लग्जरीज गुड्स होते हैं वो, जैसे कि हमें पता है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कैन बी मेड प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है, हायर द जो रिच पीपल होते हैं उनसे ज़्यादा टैक्स लेना और जो पुअर होते हैं उनसे कम टैक्स लेना, और जिस जो लग्जरीज प्रोडक्ट होते हैं, जो महंगे प्रोडक्ट होते हैं उस पर क्या करना, गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स इम्पोज करती है। तो हमें पता है कि जो लग्जरीज गुड्स होते हैं वो रिच पीपल ही कंज्यूम करते हैं, तो इससे हायर टैक्स आती है गवर्नमेंट के पास। तो ये ब्रिंग आउट ग्रेट इक्विटी, इक्विटी लाती है क्योंकि जो लग्जरीज गुड्स होते हैं वो रिच पीपल ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है, बट पुअर पीपल कंज्यूम नहीं कर पाते क्योंकि अफोर्ड नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत महंगे होते हैं कार वगैरह, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसमें ज़्यादा टैक्स लगाती है और उससे ग्रेटर रेवेन्यू लेती है। तो ये मेरिट हुआ फोर्थ इनडायरेक्ट टैक्स का, कैन बी मेड। फिफ्थ एडवांटेज है और डिमेरिट है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, ग्रेटर कवरेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेरिट है उसका, इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इन डेवलपिंग कंट्री ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन पे पेज डायरेक्ट टैक्सेस ड्यू टू द लो इनकम लेवल, ठीक है। जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ पे इनकम गैप बहुत होता है, जैसे कि बहुत पीपल पुअर होते हैं, 22% ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन है, तो वो लोग टैक्स कैसे पे कर पाएंगे क्योंकि उनके पास इनकम ही नहीं होती है, तो डायरेक्ट टैक्स तो पे कर नहीं पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज जो होता है रेवेन्यू का गवर्नमेंट को कहाँ से होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होता है, क्योंकि लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करनी है लाइफ सर्वाइव करने के लिए, राइट। तो इन सच इकोनॉमिक मोस्ट ऑफ द टैक्सेस रेवेन्यू इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एज दे हैव वाइडर रीच, राइट, और इनडायरेक्ट टैक्सेस हैव लार्ज रेवेन्यू पोटेंशियल फॉर द गवर्नमेंट देन डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस सब नहीं पे कर पाते हैं। डायरेक्ट टैक्स पे करने के लिए लोगों के पास इनकम होनी चाहिए, बट इनडायरेक्ट टैक्स पे कर पाएंगे क्योंकि लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करके, मतलब कंज्यूम करना ही पड़ेगा, राइट। तो उसकी वजह से ग्रेटर कवरेज है रेवेन्यू का गवर्नमेंट के लिए। और सिक्स मेरिट है इन्फ्लुएंस ऑन पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। मार्केट मैकेनिज्म ऑफन फेल्स टू ब्रिंग इन डिजायर पैटर्न ऑफ द प्रोडक्शन एंड द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मार्केट मैकेनिज्म मतलब क्या होता है कि नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं करती, मार्केट खुद ही, अगर मार्केट पे छोड़ दिया जाए गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोडक्शन पैटर्न के लिए, तो वो तो फेल हो जाएगी, क्योंकि जो प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती हैं उनका मेन एम क्या होता है, सोल एम होता है प्रॉफिट अर्न करना, इकोनॉमिक वेलफेयर करना तो होता नहीं है, और इकोनॉमिक वेलफेयर कौन करता है, गवर्नमेंट करती है, राइट। बाई इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस ऑन सर्टन कम्योडिटी और सेक्टर्स द गवर्नमेंट कैन अचीव द बेटर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। जो कम्योडिटी, मतलब गवर्नमेंट कुछ कुछ कम्योडिटी पे ज़्यादा टैक्सेस लगा के ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, बाई इम्पोजिंग टैक्स ऑन द लग्जरीज गुड्स एंड मेकिंग दम मोर एक्सपेंसिव, गवर्नमेंट कैन डाइवर्ट रिसोर्सेज फ्रॉम द दिस सेक्टर्स, ठीक है। जो लग्जरीज गुड्स होते हैं कार वगैरह, उस पर गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्सेस लगा के ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसको रिच पीपल ही कंज्यूम करते हैं, पुअर पीपल तो कर नहीं पाते, ठीक है। और नेसेसरी जो गुड्स होते हैं उस पर गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, क्योंकि नेसेसरीज जो गुड्स है वो ज़रूरी है लोगों के लिए, राइट, लोगों के सर्वाइव के लिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, ठीक है। तो ये सिक्स एडवांटेज है इनडायरेक्ट टैक्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस।